नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना संकट में फ्रंट लाइन पर लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को दुगना वेतन करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की और NHM यूनियन ने उसका स्वागत भी किया। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना संकट से लड़ रही है और इसी के चलते उन्होंने सरकार की इस घोषणा को लेने से इनकार कर दिया, यानी दुगना वेतन नहीं लेंगे। कर्मचारियों और कर्मियों का कहना है कि इस समय देश संकट काल से गुजर रहा है, जिस देश में वित्तीय बोझ अत्यधिक है। हम मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के निर्णय का भी स्वागत करते हैं, मगर इस संकट काल में हम दुगना वेतन नहीं ले सकते। NHM यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रेहान रजा ने कहा है कि कोरोना के इस संकट काल में NHM के कर्मचारी पूर्ण रूप से पूर्व की भांति इस संकट की लड़ाई को भी लड़ेगी और फ्रंट लाइन में डटे भी रहेंगे, पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी को भी पूरा करेंगे। पूरा देश जहां पर अपने निजी कोष से सरकार को राहत कोष में अंशदान दे रहा है, तो ऐसे में दुगना वेतन लेना मानवीयता के बिल्कुल खिलाफ है और देश के हित में तो बिल्कुल नहीं, इसलिए वे दुगना वेतन नहीं लेंगे। इसी संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत भी करवा दिया है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। ने घोषणा की है तो उसको लेके क्या आप कहना चाहोगे इस वेतन को? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं जो COVID-19 में फ्रंट लाइन में जो लड़ रहे हैं इस बीमारी महामारी से, तो स्वास्थ्य विभाग के लगभग इन कर्मचारियों को डबल वेतन का हर महीने जितने दिन तक ये चलेगा तो डबल सैलरी देने का कहा है पर मंथ के हिसाब से। परंतु जो NHM के कर्मचारी है, जो हमारी यूनियन है स्टेट लेवल की, उसमें हम लोगों ने ये एक फैसला लिया है कि हम मतलब अब इस मौके पर जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा है और हर कोई जो इस आहुति में अपना योगदान देना चाहता है, तो बहुत से लोग हैं जो इसमें दान दे रहे हैं इसको मतलब महामारी से लड़ने के लिए आर्थिक सहायता कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारा भी देश के प्रति कुछ फर्ज बनता है। इसी के हिसाब से हमने मतलब ये डिसीजन लिया है कि हम ये डबल सैलरी ना लेते हुए मुख्यमंत्री महोदय से यही एक अनुरोध करते हैं कि जो NHM कर्मचारियों की सैलरी है दो हिस्सों में बंटकर आ रही है, तो वो सैलरी एक मुश्त हो जाए। एक हमें सातवें वेतन की घोषणा की गई थी परंतु अब तक सातवें वेतन का कोई लाभ नहीं मिला, वो हमें मिल जाए। एक जो हमारी फाइल थी वेतन की अमेंडमेंट जो उसमें होने थे वो हो जाए, तो एक यही अनुरोध करेंगे हम कि डबल सैलरी जो ना देकर हमारी जो जायज़ मांगे हैं इन पर रुचिपूर्ण तरीके से थोड़ा सा ध्यान देकर इसको आगे बढ़ाया जाए, जो हमारी फाइलें पेंडिंग है उनको प्रोसेस में लाया जाए। ये हम अगर ये हो जाता है तो हम CM साहब के बड़े आभारी रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप, जिला फतेहाबाद। पद प्रधान